देखिए जाने का प्रोग्राम था 6:30 बजे घर से निकलने का। देखिए 7:20 हो रहा है, भाई साहब लोग अभी मुंह दिखाने आए हैं अपना, देख रहे हैं। मतलब इसीलिए हम जानते हैं कहीं का प्रोग्राम नहीं बनाते, इतना लेट ही करवाते हैं ना, कुर्ता पहन के हम भींग गए हैं पूरा अंदर से। 2 रुपया चेंज हो तो इसको जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? हमेशा 2 रुपये मांगते रहता, तो वो 2 रुपये हम दिलाएंगे इसको। 10 मिनट कूलर के सामने बैठवाते हैं, पूरा ऊपर से नीचे सूख जाएगा, तब यहाँ से निकलने का प्रोग्राम करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गर्मी का व्यवस्था, इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 है ना, 5-5 लीटर सबके हिस्से का, 20 लीटर लेके जा रहे हैं, 5-5 लीटर तैयारी सारा कुछ हो चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं नीचे पार्किंग लॉट में, वहाँ पर रखते हैं सारी चीज़ों को और फिर चलते हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाह रहे हैं कि हम लोग पहले फॉर्मेलिटी लेट चुके हैं, इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हम लोग चले उतना अच्छा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी का सारा जुगाड़ और जुगाड़ भी ऐसा है कि क्या ही बताएं। पहली बार पहुंचते हैं, लेट तो बहुत हो गया, धूप भी ज़्यादा हो चुका है। देखते हैं भीड़ कैसा रहने वाला है, क्या कंडीशन होगा, सारी चीज़ को देखेंगे, आपको दिखाता रहूँगा, आप बने रहो, मज़ा आएगा। और ये हमारे मनु जी, कब चला जाए, निकला जाए, धूप बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? हाँ, ये कर लीजिए। देखिए वहाँ पे माता जी खड़ी हैं हमें बाय बाय करने के लिए। बहुत गर्मी है, गर्मी का हाल ये है कि हाल बेहाल है। तो ये गंगा जल को पहले रखिए, आप लोग सब कोई आ गए हैं, कोई छूटे तो नहीं? एक आध। अरे कौन छूटी जाएगा? दीपक। दीपक का तो लाए थे ना, दीपक चलो दिखा, दीपक हेलो करो, हेलो गाइस, आ गया हूँ जी। बीच पर रखते हैं कि रास्ते भर में हाँ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा सा दुखी आत्मा, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक काम कीजिए, इसको चादर उड़ाइए, इसको गमछी उड़ाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बढ़िया से उड़ाइए। दीपक जी देखिए, आपका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पे आपको चादर उड़ा दिया गया है, आप सोइए, आपको उठाया जाएगा देवघर में। ओके। और हमारे सिंगर साहब मोनू जी तैयार हैं, तो चलिए एक बार लगाएंगे जयकारा, जोर से बोलेंगे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय माता जय। तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पेट्रोल तो डलवा ही लिया, अब यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप में हवा भी डलवा रहे हैं, थोड़ा हवा हुआ डल जाए तो फिर आगे मिलते हैं आपसे। क्या कर रहे बाबू तुम यहाँ उतर के नीचे? पानी रख रहे थे सर। पानी रख रहा था, आप क्या कर रहे हैं? रखवा रहे थे। अच्छा, आप रखवा रहे थे, ये पानी रखवा रहा था, ये डिक्की खोल रहे थे। तो देखिए बहुत जागती हो रहा है, पवन जो है दीपक के जिगरी, दीपक को बोले दिक्कत दे रहा, दीपक पीछे डिक्की में डाल ताकि आराम से सो के दीपक जा सके। देखो इसको अंदर सुलाया जा रहा है, दीपक बाबू आराम से सोइएगा, ठीक है? आप देवघर में मिलेंगे तुमसे, चलो भाई तुम आराम करो। और पवन रखा है, देख लो सबूत है मेरे पास, पवन डाला अंदर। तो देखिए फाइनली हम लोग देवघर पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लग चुका है, पवन बाबू अंदर बैठे हुए हैं, अमन उधर कुछ ढूंढ रहा है, और इधर हमारे मोनू जी अभी देखिए तैयार होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना जा सकते हैं। देखिए ये इधर पहने हुए, एक देखिए इधर खुल रहा है, अभी पहले इनको थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। भैया बात ऐसा है कि हम लोग अब निकल चुके हैं तैयार होकर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं पूरे ये भाई लोग सब रेडी हैं, पगड़ी उड़ी बांध रहे हैं, देखिए तो देख रहे हैं अभी टी शर्ट घूम रहे, देखिए कुर्ता पजामा हमारा इधर है, हम टकला है, हम नहीं बांध रहे हैं, ये अपना बाल छुपा रहे हैं ठंडक के लिए, ठंडक देखिए गर्म बहुत रहता है ना, ठंडक के लिए। और ये दोनों भाई साहब आ रहे हैं, ये लोग बोले हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हम लोग कोई ठंडक नहीं चाहिए, है ना? ऐसे ही ठीक, ऐसे ही बोलते हम लोग, कूल आदमी है, कूल। चलिए मिलता हूँ मंदिर में, रास्ता देखिए क्या हॉट, इसीलिए थोड़ा सा चाहिए होता है, चलिए मिलता हूँ मंदिर में।
तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है दोस्तों शिवगंगा, और पीछे ये पूरा नज़ारा आप देखिए कितना बड़ा कितना विशाल है चारों तरफ। और हम लोग पहले यहाँ आए, जब भी आप मंदिर आएँ तो पहले यहाँ के पैर हाथ जरूर धोएं, शरीर का शुद्धिकरण जरूर करें, फिर मंदिर जाएं, ठीक है? क्योंकि आप लोग रास्ते में पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हुए आएंगे, तो यहाँ आएँ पहले शुद्ध होएं। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं मेन यहाँ से एंट्री है बाबा का सिंह द्वार का, जो कि यहाँ से सीधे रास्ते पर आपको लेके जाएगा सीधा मंदिर के अंदर सिंह द्वार। तो पैर हाथ धो लिए हैं, शुद्धिकरण हो गया, अब लेंगे फूल जल और फिर दर्शन, बने रहें। तो कैसा फील हो रहा है अमन तुमको शुद्धिकरण करके अपना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो पानी देख रहे हो इसमें उतरना चाहोगे? नहीं, अभी नहीं। हम लोग हैं यहाँ पे, गमछी फेंक के उतार देंगे तुमको। बिल्कुल नहीं, तो चलो फिर दर्शन करते हैं। लाइन लगने के लिए इतना दूर आए हैं हम लोग जो बता नहीं सकते आपको। ये जो देख रहे ना पीछे, यहाँ से भी हम लोग चढ़े हैं, और अभी कितना ही दूर जाना है अगर आपको दिखाएंगे तो ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा ना कि आप लोग आधे में छोड़ के भाग जाइएगा। तो चलिए पहुंचता हूँ एक बार और फिर दिखाता हूँ मंदिर के सामने। और ये मार्केट है, ये देखिए ये मंदिर के बाहर का मेन रोड वाला मार्केट है, देखिए। तब तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने दूर से लाइन लगे हैं। तो यहाँ पे फूल लिया हमने, जल लिया। रास्ता दूर है बट जाना जरूर है, रास्ता दूर है पर जाना जरूर है। अमन बाबू थोड़ा सा सुस्त है, सुबह से मिला नहीं है ना बेचारे को खाना पानी। खैर, ने बाबा का दर्शन किया अभी के बाद फिर बाबा से जो एनर्जी प्राप्त होगा वो एनर्जी पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए फिर मिलते हैं, बने रहिए मंदिर प्रांगण में। हमारे सर कह रहे हैं कि भोले नाम का नाम जपते रहिए और बस उसी में बेरा पार हो जाएगा, अद्भुत नजारा। तो जैसा कि दोस्तों दर्शन हमारा हो चुका है बाबा नगरी देवघर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग बाहर अभी खड़े हैं, अभी चलेंगे माता पार्वती का दर्शन करने, और वहाँ से फिर हम लोग बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, थोड़ा मंदिर प्रांगण में घूमेंगे फिरेंगे, कुछ बताएंगे कैसा ये 42 डिग्री सेल्सियस में इस गर्मी में आपने 2 घंटे परिश्रम किया, कैसा लग रहा है? अभी 52 डिग्री होता तो भी आते, इसलिए मकान हमारे सब बुला रहे थे, जाना था बुलाएं, ऐसा कि क्या बुलाया थी, और ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं फर्स्ट टाइम कैसे होली में भी हुआ था बाबा को रंग बिरंगा लगाए, बहुत मजा आया। और मोहन जी आप कुछ बताएंगे आपका? आप जो तापमान के बारे में बोल रहे हैं 42 या 52 डिग्री भी रहता फिर भी बाबा की आंखें और जल चढ़ा करके चीज बोल रहे हैं। और इनका होश में ये पहला विजिट था यहाँ पे, और बताएंगे कुछ कैसा लगा? यहाँ का जो वातावरण है बहुत भक्ति वाला वातावरण है, बहुत लग रहा है। और जो बाबा का दर्शन किए हैं तो इतना अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है कि हम बयां नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ा माँ का भी दर्शन कर लें क्योंकि माँ को भी तो मनाना है, और फिर घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। चलिए नेक्स्ट विजिट माँ के यहाँ, पहला विजिट बाबा के यहाँ, अब नेक्स्ट विजिट माँ के यहाँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो यहाँ देवघर में पूजा हमारा संपन्न हो चुका है, और आप देख रहे होंगे अब हम लोग यहाँ से बासुकीनाथ के लिए निकलेंगे। सब कोई हम लोग घूम फिर चुके हैं, आरती वगैरह भी संपन्न हो गया है। ये है यहाँ पे दरबार पीछे भोलेनाथ का, तो यहाँ पे हमने आरती कर लिया, इधर माता जी का भी आरती हो चुका है, घर परिवार वालों को भी हमने वीडियो कॉल पर दर्शन करवा दिया। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से बासुकीनाथ, और फिर वहाँ से निकलेंगे तारापीठ। नाइट में तारापीठ में स्टे होगा और पूजा होगी। तो पूजा हो चुका है, हम लोग चल रहे हैं मंदिर के प्रांगण से बाहर, और फूल वाले भाई साहब को पैसा दे दें, उसके बाद हम लोग अपने गाड़ी में चलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत लेंगे फ्रूट वगैरह और जूस वगैरह, क्योंकि बासुकीनाथ में पूजा बाकी है, तो जब तक वहाँ हो ना जाए तब तक खाना हम लोग खाते नहीं, आपको तो पता ही। लस्सी लिए, सबको लस्सी पी रहे हैं, इधर भी काटने के लिए सबसे बेस्ट उपाय। तो इसको पीने के बाद और क्या पियेंगे? इसके बाद इलेक्ट्रोल लेना, बने रहिए दिखाएंगे। गर्मी की तरह उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये पूरे टूर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने बाबा बैजनाथ के यहाँ पूजा किया, दर्शन किया। सेकंड पार्ट में हम लोग बासुकीनाथ में पूजा करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, एंड फाइनली थर्ड पार्ट में हम लोग तारापीठ जाएंगे, वहाँ पूजा वगैरह करके और अपने घर को रिटर्न। दोस्तों कंटिन्यू देखते रहे, अब आने वाला है इसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग जाएंगे बासुकीनाथ। कंटिन्यू वॉच करते रहे, और दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।